उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। मामला कुवारसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी का है, जहां इंचार्ज ने हेड कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल कासिम हुसैन एसएसपी गेट पर तैनात है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि विगत दिनों कासिम हुसैन का पुत्र अनस का घर आते समय एक्सीडेंट हो गया, जिसका मुकदमा थाना कुवारसी में दर्ज हुआ। पुलिस ने मेडिकल कराकर पीड़ित को घर भेज दिया। कासिम हुसैन पुलिस लाइन में ड्यूटी खत्म करने के बाद एफआईआर की कॉपी लेने जब थाने पहुंचा, तो कंप्यूटर रूम में चौकी प्रभारी अफसर खान बैठे मिले। इसके बाद कांस्टेबल ने दरोगा से कहा कि साहब, इस घटना में विवेचक आप हैं। इस बात पर दरोगा जी आग बबूला हो गए और हेड कांस्टेबल के मुंह पर एफआईआर फेंक कर दे मारी और अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मुकदमे को अंतिम रिपोर्ट लगाने की धमकी दे डाली। वहीं दरोगा की दबंगई से हेड कांस्टेबल दंग रह गया और इसकी शिकायत लेकर एसएसपी दफ्तर पहुंचा। वहीं एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी को फोन कर हड़काया और संयम रखने की बात कही। फिलहाल हेड कांस्टेबल की घटना की विवेचना एसएसआई क्वारसी को ट्रांसफर कर दी गई है। साथ ही हेड कांस्टेबल से हुई घटना की जांच सीओ सिविल लाइंस को सौंपी गई है। क्या मामला, किस मामले को लेकर आए? 13/4/2021 को मेरे बेटे की अंबाजी से एक्सीडेंट हुआ था, जिसका मैंने मुकदमा अपराध संख्या 412 थाना कुवारसी पर पंजीकृत करवाया था। जांग 14/4/2021 को मैं थाना कुवारसी पर गया और दरोगा जी से कंप्यूटर कार्यालय में गया। दरोगा जी से मुंशी से एफआईआर ली। दरोगा जी से कहा मैंने विवेचक आप हो। दरोगा जी ने एफआईआर लेके मेरे मुँह पर मार दी, मुझे गाड़ी का फर्ज किया। अच्छा, कौन दरोगा जी? दरोगा जी अफसर खान, दरोगा माफी चौक इंचार्ज। क्या कहा उन्होंने? मुकदमा खत्म कर देगी? ये मुकदमा मैं एक्सपेंज कर दूंगा। तो आज कहाँ कप्तान साहब से मिले हैं आप? मैं एसएसपी साहब से मिला हूँ। एसएसपी साहब ने भेजना ट्रांसफर कर दी है और जांच सीओ सिविल लाइन को दे दी है। क्या कार्रवाई हुई है फिर? भेजना ट्रांसफर कर दी है एसएसआई क्वारसी को और जांच सीओ सिविल लाइन को। पासों में क्वारसी रोड पे जा रहा था, तो उधर से एक अपाची आई UP 13 EN 1107, जिसने मेरी स्कूटी को साइड से टक्कर मारी और स्कूटी मेरी गिर गई अलग और मैं जमीन में गिर गया था। तो मेरे सिर में, पैर में और कई जगह चोटें हैं और कुछ गुम चोटें भी हैं। ये चोटें आपसे एक्सीडेंट से लगी हैं? हाँ, एक्सीडेंट से। फिर क्या हुआ? फिर वो थाने क्वारसी में मुकदमा लिखवाया पापा ने। मेडिकल कराया? हाँ, मेडिकल भी हो गया था। फिर पापा वो लेने गए, अगले दिन बोला वो ले आना एफआईआर की नकल ले जाना। हाँ। नकल लेने गए तो दरोगा जी ने वो पापा से बदतमीजी। कौन दरोगा है? अफसर खान। क्या हुआ अफसर खान का? क्या तो पापा से बदतमीजी करी, बोले हम मुकदमा ख़त्म कर देंगे। फिलहाल घटना के बाद एसएसपी ने पीड़ित हेड कांस्टेबल को कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक वर्दी वाला दरोगा एक वर्दी वाले को ही अपना रौब दिखा रहे हैं, तो आम जनता के साथ इनका व्यवहार कैसा होगा? पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन वाशिनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।